हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हमारा जो एनसीटीई है, ये हमारा जो इस्टेब्लिश किया, ये किया है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी एक्ट के अकॉर्डिंग 1995 में ये हमारा जो है एनसीटी बनाया गया। एक्चुअली एनसीटीई बनाने का क्या कारण था, क्या पर्पज था, कि टीचर्स के रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या हो सकता है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगी, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी जो है बातें इसमें कही गई, इसलिए जो है एनसीटीई बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। एनसीटीई के 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, जैसे हम बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जैसे हमारी जो ये जो 4 हमारी जो दिशाएं हैं, इसमें जो चारों में हैं, ईस्ट का जो है ईस्ट रीजनल कमेटी जो है हमारी, ये हमारा भुवनेश्वर में है, और हमारा जो वेस्ट की है ना, वो है हमारी भोपाल में, नॉर्थ में है जयपुर में, और साउथ में है बेंगलोर में हमारा एनसीटीई का ऑफिस है। मतलब जो हमारा ये जो रीजनल सेंटर, जो हमारा रीजनल जो हमारी कमेटीज हैं, है ना, ईस्ट की होगी भुवनेश्वर में, और वेस्ट की होगी हमारी भोपाल में, नॉर्थ की है जयपुर में, और साउथ की है बेंगलोर में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। एनसीटीई के क्या फंक्शन है, मींस कि एनसीटी को क्यों बनाया गया, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का सेटअप क्यों किया गया गवर्नमेंट ने। टू अचीव प्लान एंड कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, है ना, सारी कंट्री में अच्छी तरह से, मतलब अच्छी प्लान्स जो है टीचर्स के एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए जो है, इसके लिए जो है एनसीटीई बनाया गया। टू रेगुलेट एंड प्रॉपरली मेंटेन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स इन द टीचर एजुकेशन सिस्टम, है ना, तो क्या नॉर्म्स और जो है नॉर्म्स बनाए गए, और ऐसे नॉर्म्स बनाए गए जिससे कि जो है कम्पिटिट कर सकें, जो टीचर्स जो हैं वो कॉम्पिटिट कर सकें। टू ट्रेन इंडिविजुअल्स फॉर इक्विपिंग देम टू टीच, जैसे प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, है ना, हमारा जो नॉन फॉर्मल है या पार्ट टाइम है या डिस्टेंस एजुकेशन है या एडल्ट एजुकेशन है, इसके लिए जो है ट्रेन करने के लिए, हर एक को ट्रेन करने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, क्या क्या, मतलब हम बोल सकते हैं कि उनको किस तरह के पर्क्स दिए जाएंगे, इस तरह की सारी जितनी भी बातें हैं वो एनसीटीई में जो है लिखी गई हैं। साथ ही साथ देखो, टू अंडरटेक सर्वे एंड स्टडीज पर्टेनिंग टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ द टीचर्स एजुकेशन एंड पब्लिश द कॉरेस्पॉन्डिंग रिजल्ट, है ना, कि कुछ भी जो भी टीचर्स जो है, जो भी सर्वेस करते हैं, जो भी स्टडीज करते हैं, वो जो सारी की सारी स्टडीज हैं वो क्या होंगी, पब्लिश होंगी, क्या उनका रिजल्ट निकला, ये सारे के सारे जो है जर्नल में, जो हमारे एजुकेशनल के जर्नल्स हैं उनमें जो है पब्लिश किए जाते हैं, लेकिन ये सारा का सारा काम कौन करती है, एनसीटीई। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सुटेबल प्लान्स एंड प्रोग्राम्स रिगार्डिंग फील्ड ऑफ टीचर्स, इट कोऑर्डिनेट्स एंड मॉनिटर्स द टीचर एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री, है ना, जो भी हमारे टीचर एजुकेशन है, टीचर्स की जो एजुकेशन है, उसका जो जितना भी काम है सारा का सारा जो है कोऑर्डिनेट करते हैं एनसीटीई टीचर्स का, और उसके पे जो है मॉनिटर करती है, मतलब मॉनिटर मतलब उसको देखती रहती है, और जहाँ पे थोड़ी सी कमी लगे या मतलब, तो एकदम जो है उसको रेक्टिफाई करती है, ऐसा काम एनसीटीई करती है। इट लेज डाउन द गाइडलाइंस फॉर द मिनिमम क्वालिफिकेशन नीड्स फॉर एन इंडिविजुअल टू बी ए टीचर इन स्कूल्स एंड रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स में या जो हमारे रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें टीचर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, कितनी होगी। जैसे अगर हम बात करें आज के टाइम में, अगर हमने जो है कॉलेजेस में जो है लेक्चरर के लिए अपना अप्लाई करना है, तो वहाँ पे हमारी क्या है, एलिजिबिलिटी नेट होना जो है हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना,
तो हम इस तरह से जो है एनसीटी जो गाइडलाइंस बनाती हैं, है ना, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जो एजुकेशन स्कूल में है स्कूल के अकॉर्डिंग, तो वो सारा का सारा फॉलो टीचर्स करते हैं। इट लेस डाउन गाइडलाइंस फिजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड स्टाफिंग, सारी की सारी गाइडलाइंस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल की और इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल की सारी की सारी गाइडलाइंस जो है वो कहाँ होंगी, एनसीटी में। हम बोल सकते हैं, जैसे हमें पता है कि जो एनसीईआरटी है, देखो जैसे हम बोल सकते हैं कि जो एनसीईआरटी है वो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे अपना कंट्रोल रखती है, लेकिन अब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड है, है ना, बहुत ही ज़्यादा वाइड है, बहुत ही ज़्यादा मतलब व्यापक है, है ना, तो उसके हर एक पहलू पे ध्यान रखा गया है, और हर एक पहलू पे ध्यान रखने के लिए अलग अलग उनके अकॉर्डिंग जितने भी उसके पहलू हैं उसके अकॉर्डिंग जो है क्या बनाई गई हैं, अपने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं टीचर्स की बात कर रहे हैं, तो टीचर्स के लिए जो है एनसीटी ही बनाया गया है, लेकिन अगर हम बात करें एनसीटी का हार्ट है वो क्या है, एनसीईआरटी, मीन्स कि ये जो है एनसीईआरटी की सारी हेल्प भी करते हैं, एनसीईआरटी इनको गाइडलाइन भी देता है, उसके अकॉर्डिंग काम भी करते हैं। तो हम इसको पूरा करते हैं, इट लेस डाउन स्टैंडर्ड्स विद रिपीट टू एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, इट लेस डाउन नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स, इट आइडेंटिफाइज द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस एंड सेटअप न्यू इंस्टीट्यूशंस फॉर द डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ टीचर्स एजुकेशन, है ना, ये पहचानता है, और अगर जो टीचर्स की एजुकेशन के लिए कुछ नए जो इंस्टीट्यूशन सेटअप करने पड़े उनको भी ये करवाता है, उनकी भी स्थापना करवाता है। इट टेक्स अप नेसेसरी स्टेप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना, तो ये जो टीचर्स एजुकेशन की अगर कमर्शलाइजेशन हो रही है तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट स्टेप उठाए जाने हैं तो वो भी जो है हमारा एनसीटी ही उठाता है। तो हमने आज बात की जो कि हमारा जो एनसीटी क्या है और उसका क्या क्या काम है, वो टीचर्स के रिगार्डिंग क्या क्या काम करता है ना। तो थैंक यू क्लास।